नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा। मयंक अग्रवाल आईपीएल मिनी ऑक्शन शुरू होने से पहले वो नाम था जो हर फैन की जुबान पे टिका हुआ था। सभी की नजरें थी कि पंजाब के ये एक्स कप्तान या पूर्व कप्तान कौन सी टीम में लेंगे, बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, बिकेंगे तो कौन सी टीम उनको अपनी टीम में लेगी, क्या वापस पंजाब लेगी या बेंगलोर खरीदेगी। कयास लगाए जा रहे थे ना कि बेंगलोर उनको खरीद सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे कयास खत्म हुए। सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको 8.25 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है और कह दिया है कि अब आप अगले साल हमारी टीम से ही खेलेंगे। 8.25 करोड़ रुपए में मयंक अग्रवाल सनराइजर्स हैदराबाद के हो गए हैं। बल्लेबाज तो बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस्ड है, आईपीएल में अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है, लेकिन जिस हिसाब से पंजाब ने उनको रिलीज किया था उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्यों रिलीज कर दिया गया, क्या रिलीज कर दिया, वापस थोड़ी कम रकम में खरीदेंगे। लेकिन पिछली बार 10-11 करोड़ रुपए उनको मिले थे, अब 8.25 करोड़ रुपए, मतलब ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद को जो बड़ा पर्स है, जो बड़े उनके पास पर्स था, उसका फायदा जरूर मिला। हैरी ब्रुक्स इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, उनको भी उन्होंने खरीद लिया है 13.25 करोड़ रुपए में और मयंक अग्रवाल 8.25 करोड़ रुपए। तो ये दो खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद के। कैसी लग रही है सनराइजर्स हैदराबाद की ये दो चॉइस, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके अलावा आपने न्यूज नेशन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।